हेलो एवरीवन जय हिंद नमस्ते सत श भाई सभी को आज हम करने वाले हैं एच एस एस में आए कुछ मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं उन्हें कैसे अटैम्प्ट करना है तो शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ थर्टी मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज थर्टी डिग्री ओके तो हम हमसे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हम ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड लेवल पर एक टावर है हमारा ग्राउंड लेवल पे एक टावर है हमारा और ग्राउंड लेवल से हम उस टावर को देख रहे हैं ग्राउंड लेवल से हम उस टावर को यहाँ से देख रहे हैं इस टावर को और जो हमारे टावर को देखते वक्त जब अपसाइड हाइट की तरफ जाते वक्त जो एंगल बनता है उस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं तो हमारा जो एंगल बन रहा है ये वाला ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ये एंगल कितना दिया हमें थर्टी डिग्री गिवन है यस थर्टी डिग्री गिवन है और हमें ये बोला हुआ है कि ग्राउंड के फुट से लेकर ग्राउंड के फुट से लेकर जिस पॉइंट से हम ग्राउंड को देख रहे हैं वहाँ तक का डिस्टेंस थर्टी मीटर है वहाँ तक का डिस्टेंस थर्टी मीटर है बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हमारे पास एक टावर है ठीक है यहाँ से ये ग्राउंड लेवल है ठीक है यहाँ से अगर हम इस टावर को देख रहे हैं यहाँ यहाँ से अगर हम इस टावर को देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारा यही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम हाइट की तरफ देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है थर्टी डिग्री और हमें क्या बोला है कि फुट ऑफ़ द टावर से लेके जिस पॉइंट पर आप खड़े हैं या फिर कह सकते हैं आपके फुट तक फुट ऑफ द टावर से लेके कर जहाँ पर आप खड़े हैं ग्राउंड लेवल पर उसके बीच का डिस्टेंस कितना है थर्टी मीटर एक ट्रायंगल मान लें हम ए बी सी ठीक है ये कैसा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है हमें क्या निकालना है अच्छा सॉरी इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है हमें निकालना है टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर हाइट ऑफ द टावर हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है अगर अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रैंगल है ठीक है और ये वाला एंगल कौन सा है बेस एंगल इसे हम कौन सा एंगल बोलते हैं बेस एंगल मीन्स ये एंगल किसके साथ बन रहा होगा बेस के साथ मीन्स थर्टी मीटर क्या है इस राइट एंगल ट्रैंगल का बेस है ये हमारी हाइपोटेन्यूज प्रोटेन है तो ये क्या हुआ ये हमारे परपेंडिकुलर हुआ बेसिकली हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है परपेंडिकुलर ही क्या होगा हमारे टावर की हाइट होगी हमें परपेंडिकुलर ही फाइंड करना है तो हम हमें गिवन क्या है बेस गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेंजेंट थिट्टा टेंजेंट थिट्टा अब इसको परपेंडिकुलर हम कुछ भी मान लें x y z या p रख लें क्योंकि वो तो हमें फाइंड करना है या फिर इसको आप x मान सकते हैं x मान लें बेस हमें गिवन है 30 मीटर ठीक है टेंजेंट थिट्टा थिट्टा होता है एंगल 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 हमें कितना गिवन है 30 डिग्री तो मींस टेंजेंट 30 टेंजेंट 30 डिग्री टेंजेंट टेंजेंट थर्टी की वैल्यू कितनी होती है वन बाय रूट थ्री टेंजेंट थर्टी की वैल्यू कितनी होती है वन बाय रूट थ्री क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये आ जाएगा रूट थ्री एक्स इक्वल्स टू थर्टी डिग्री अब ये रूट थ्री यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा देन एक्स विल बीवल्स टू थर्टी बाई रूट थ्री और डिनोमिनेटर में हम कभी भी इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते और डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर लाने के लिए हम रैशनलाइज डिनोमिनेटर करते हैं डिनोमिनेटर को क्या करती हैं, रेशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं जो नंबर हमें रैशनल गिवन है उसको ऊपर और नीचे सेम मल्टीप्लाई कर देते हैं मेन्स अंडर रूट थ्री को हम ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा थर्टी रूट थ्री और रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या बन जाएगा रूट थ्री का होल स्क्वायर स्क्वेयर से रूट कैंसिल तो ये क्या बन गया है थ्री थ्री टेंजा थर्टी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टेन रूट थ्री बेसिकली हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई टेन रूट थ्री हमारी हाइट ऑफ द टावर कितनी निकली टेन रूट थ्री मीटर ऑप्शन नंबर ए विल योर करेक्ट आंसर हाइट ऑफ द टावर कितनी निकली टेन रूट थ्री परपेंडिकुलर कितना निकला टेन रूट थ्री ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पॉइंट ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ हमें पूछा है कि हमें एक पॉइंट ए गिवन है एक पॉइंट बी गिवन है एक पॉइंट सी गिवन है हमें यह पूछा है कि ये किस के वर्टिसेस हैं आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं स्केल एंड ट्रा के वर्टिसेस हैं या नन ऑफ दिस इनमें से किसी के भी नहीं अब एक बार थोड़ा सा बता देते हैं कि आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्केल एंड ट्रा कैसे आइसोसेल ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल हों ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी आइसोसेल ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल हों इसमें मैंने ए बी इक्वल्स टू ए देन इट इज आइसोसेलस ट्रैंगल ओके आइसोसेल ट्रैंगल इसने बोला आइसोसेल राइट एंगल ट्रैंगल मीन्स आइसोसेल की एक साइड क्या है 90 डिग्री के एंगल बना रही है और दो साइड क्या है इक्वल है आइसोसल ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है और जो तीसरी साइड है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है सॉरी राइट एंगल बना रही है मींस एक एंगल कौन सा होगा 90 डिग्री का ए बी सी ठीक है ये हो गया हमारा आइसोसल ट्रायंगल इक्वेलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों इक्वेलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो ए बी ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल टू ए सी तीनों साइड्स इक्वल है जिसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल ओके स्केल एंड ट्रैंगल जिसकी तीनों ही साइड्स इक्वल ना हो जिसकी तीनों साइड्स इक्वल ना हो दैट इज योर स्केल एंड ट्राइंगल ना ये इक्वल ना ये इक्वल ना कोई भी नहीं इक्वल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी ठीक है दैट विल बी ओअर स्केलन ट्राएंगल अब हमें ये बताना है कि हमें ये जो तीन पॉइंट गिवन है ये इन तीनों में से या फिर फोर्थ ऑप्शन जो भी हम सॉल्व करने के बाद पता चलेगा इन तीनों में से कौन से ट्रैंगल के वर्टिसज हैं तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे हम डिस्टेंस निकाल लेंगे साइड्स का क्या निकाल लेंगे साइड्स का hmm. डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस निकाल के अगर साइड्स का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है मीन्स साइड्स इक्वल हैं तो हमारा इक्वलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है अगर तीनों इक्वल हुई दो इक्वल हुई तो हमारा आइसोसेल ट्रायंगल हो सकता है तो एक बार इसको सॉल्यूशन करते हैं ए पॉइंट हमें गिवन है माइनस वन टू माइनस बी पॉइंट हमें गिवन है थ्री कोमा कोमा माइनस वन और C पॉइंट हमें गिवन है टू कोमा सिक्स टू कोमा सिक्स ओके अब साइड्स कैसे फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वेयर ठीक है अब हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इन तीनों साइड्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ए बी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट जब हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो माइनस वन इज एक्स वन एंड टू इज वाई वन थ्री इज एक्स टू एंड माइनस वन इज वाई टू ओके तो एक्स टू माइनस एक्स वन थ्री माइनस माइनस वन थ्री माइनस माइनस वन का होल स्केयर प्लस माइनस वन माइनस टू का होल स्केयर नो प्रॉब्लम ओके आगे सोल्व माइनस माइनस प्लस थ्री प्लस वन का होल स्केयर माइनस माइनस प्लस माइनस थ्री का होल स्केयर थ्री प्लस वन फोर फोर का होल स्केयर सिक्सटीन माइनस थ्री का स्क्यर नाइन अंडर रूट ट्वेंटी फाइव अंडर रूट ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव किसका स्क्यर होता है फाइव का तो अंडर रूट ट्वेंटी फाइव विल बी गोस टू फाइव ए बी हमारे पास निकल गया आई फाइव ओके बी सी निकालते हैं क्या करेंगे अब बी सी निकाल लेंगे. ठीक है। बी सी जब हम निकाल रहे हैं तो ये हो गया हमारा एक्स टू ये हो गया हमारा एक्स वन ये हो हो गया गया हमारा हमारा वाई वाई वन, ये टू। टू टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क् प्लस वाई टू माइनस वाई वन सिक्स माइनस माइनस वन का होल स्क् ठीक है टू माइनस थ्री माइनस वन का होल स्क्र माइनस माइनस प्लस सिक्स प्लस वन सेवन सेवन का होल स्केयर अंडर रूट बी सी ठीक है माइनस वन का होल स्केयर माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस से माइनस कैंसल वन इंटू वन 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 ओके सेवन का स्क्वेयर फोर्टी नाइन बी सी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट फिफ्टी ओके अब एक साइड बच गई ओके ए बी हो गई बी सी हो गई ए सी अब हम निकाल लेते हैं ए सी ए सी विल बी क्वेस्ट टू जब हम ए सी निकाल रहे हैं तो ये हमारा हो गया एक्स टू यह हो गया एक्स वन ये हो गया वाई टू ये हो गया वाई वन ठीक है टू माइनस माइनस वन का होल स्केयर प्लस सिक्स माइनस टू का होल स्केयर सिक्स माइनस टू का होल स्केयर ए सी विल बीव टू माइनस माइनस काल्स के फोर फोर का होल्स के एसी विल बीस टू अंडर रूट थ्री थ्री नाइन फोर का स्कोर सिक्सटीन फोर फोर जिक्सटीन एसी विल बीस टू अंडर रूट ट्वेंटी फाइव अगेन अंडर रूट ट्वेंटी अब हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी दो साइड्स इक्वल हैं ए ए बी और ए सी हमारी इक्वल है और अभी अभी हम मैंने बताया था कि जिस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हों वो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है अब कहने को तो हम सीधा टिक मार्क लगा सकते हैं कि आईसो एक ए के ऑप्शन में गिवन है आईसो राइट एंगल ट्राएंगल विल बी करेक्ट आंसर ठीक है ए विल बी योर करेक्ट आंसर बट कई बार क्वेश्चन को टेंथ uh, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये क्वेश्चन देखें क्योंकि टेंथ क्लास का भी टॉपिक है तो वो ये पूछता है प्रूव दैट ए बी सी आर दी वर्टिस ऑफ आइसोसेल राइट एंगल ट्रैंगल तो आइसोसेल का तो हम यहाँ से बता देंगे कि टू साइड्स आर इक्वल ए बी एंड ए सी आर इक्वल मीन्स टू साइड्स आर इक्वल बट हमें यह भी तो बताना है कि आइसोसेल्स के साथ साथ वो राइट एंगल ट्रायंगल भी है आइसोसेल के साथ साथ राइट एंगल ट्रायंगल भी है तो राइट एंगल ट्रायंगल बताने के लिए हम क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस। दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्यर कहने का मतलब यह है कि नहीं दो साइड्स का विल थर्ड साइड का स्क्र ओके okay, ले लेते हैं फाइव का स्क्र फाइव का स्क्र प्लस फाइव का स्क्र प्लस फाइव का स्क्यर इक्वल टू अंडर रूट फिफ्टी का ओके, फाइव okay. का स्क्र ट्वेंटी ट्वेंटी से रूट कैंसिल्वेंटी प्लस फिफ्टी विल इक्वल्स टू फिफ्टी मीन्स हमने ये ये भी बता दिया कि आइसोसेल ट्रेंगल होने के साथ साथ ये जो वर्टेस हैं वो आइसोसेल ट्रैंगल के साथ साथ एक राइट एंगल ट्रेंगल भी है एक क्या है राइट एंगल ट्रेंगल भी है तो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन तो हमारा आइसोसेल राइट एंगल ट्रैंगल विल बी योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं द देंथ टर्म ऑफ द ए पी इज ए पी की टेंथ टर्म इस ये जो हमें गिवन ए पी है टेन सेवन फोर इसकी टेंथ टर्म हमें निकालनी है कि टेंथ टर्म क्या होगी निकाल देते हैं जब हमें टेंथ टर्म निकालनी हो या फिर कोई भी टर्म निकालनी हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए एन विल बी इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ओके ये सबको पता है अब हमें देखो गिवन क्या क्या है ए एन हमें निकालनी है दैट इज अवर टेंथ टर्म एन हम ए टेन लिख सकते हैं यह हमें निकालना ही है ए फर्स्ट टर्म ए को हम फर्स्ट टर्म से फर्स्ट uh, टर्म को ए से डिनोट करते हैं तो ए टन फर्स्ट टर्म गिवन है ठीक है एंड नंबर ऑफ टर्म्स कौन से निकालनी है टेंथ गिवन है ठीक है बच गया डी डी निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं ए टू माइनस ए वन ए टू क्या है सेवन ए वन क्या है टेन सेवन माइनस टेन D will be इक्व to minus three. Common difference ये D हमारे कितना आ गया Minus three. अब अब क्या बच गया क्वेश्चन में अब तो बस value putting है रख देते हैं value. A n means a टेन हमें निकालना है A हमें ten given है n हमें ten given है और D हमें minus three हमने निकाल लिया है ए will be बी to ten plus ten में से बन गया nine into minus three. A 10 will be equals to 10 plus minus 27. 9th are 27. 810 will be goes to 10 plus minus minus 27. 8 tenth term will be equals to minus 17. That will be your correct answer. Minus 17. Option B will be your correct. आंसर कैसे निकाला फॉर्मूले में वैल्यू पुट की ए एन इक्वल्स टू तो ए प्लस एन माइनस वन डी एन माइनस वन इन डी डी ए हमें फर्स्ट टर्म गिवन थी एन हमें गिवन था डी हमने ए पी दे रखा था कि ए पी सीरीज है तो हम ऑफ कोर्स सारे टर्म्स का कॉमन डिफरेंस होगा तो डी हमने निकाल लिया माइनस थ्री और फिर हमने वैल्यू पुट करके हमने हमारा आंसर निकाल दिया तो टेंथ टर्म ऑफ दिस ए पी विल बी माइनस सेवेंटी तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द एल्टीट ऑफ राइट एंगल ट्रैंगल इज सेवन सेंटीमीटर लेस देन इट्स इज थर्टीन सेंटीमीटर ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन है एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रैंगल राइट एंगल ट्रैंगल गिवन है अभी अभी बताया राइट एंगल ट्रैंगल वो जिसकी एक साइड से नाइंटी डिग्री का एंगल बन रहा हो ठीक है मान लो ए बी सी हेबीसी सबसे कॉमन है जो हम ट्रायंगल्स को मानते हैं ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑल्टीट्यूड बेसिकली परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड ठीक है ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर इतना समझ के सिर्फ 7 सेंटीमीटर मत लिख देना ऑल्टीट्यूड लेस देन इट्स बेस 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है जब भी हमें कुछ चीज फाइंड करनी है जैसे हमें करना, इसको कर लेते हैं। X, कुछ भी एक्स वैल्यू कोई भी है जो हमारा बेस है ठीक है एक्स मान लिया अब इसने क्या बोला हैल्टीट्यूड तो क्या हो गया एक्स माइनस सेवन बेस से सेवन लेस देन बेस से सेवन सेंटीमीटर लेस है क्या एल्टीट्यूड तो पी कितना हो गया एक्स माइनस सेवन थ्योरम लगाएंगे आंसर निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हाइपोटेन्यूज का इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज कितने गिवन है थर्टीन सेंटीमीटर थर्टीन का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस एक्स हमने लेट किया है

प्लस ए की वैल्यू की जगह एक्स रखेंगे एक्स स्क्र बी की वैल्यू की जगह सेवन रखेंगे सेवन का स्क्र विल बी फोर्टी नाइन माइनस टू इंटू ए ए की वैल्यू एक्स बी की वैल्यू सेवन टू इंटू एक्स इंटू सेवन सेवन टू फोर्टीन दैट विल बी योर फोर्टीन एक्स ठीक है इतना ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं ओके okay. फोर्टी नाइन इस साइड प्लस का है इस साइड आगे माइनस का वन सिक्स माइनस पे करते हैं माइनस वन सिक्सटी माइनस फोर्टी नाइन विल बीक्स टू एक्स स्क्स माइनस फोर्टीन एक्स माइनस करेंगे कितना बजेगा वन ट्वेंटी नाइन नाइन ठीक है वन ट्वेंटी टू एक्स स्क्र माइनस फोर्टीन एक्स एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र टू एक्स यहाँ माइन वन ट्वेंटी माइनस प्लस का है उस जाके माइनस जा का हो जाएगा इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास एक फोर्टीन एक्स माइनस वन ट्वेंटी ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई क्या गई एक इक्वेशन हमारे पास एक आ चुकी है अब ये एक बात ध्यान से सोचो इस इक्वेशन में जितने भी नंबर हैं टू फोर्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी तीनों ही टू से डिविजिबल हैं तीनों ही टू से डिविजिबल है कर दो टू 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 से टू कैंसल टू सेवन फोर्टीन टू सिक्स ट्वेल्व इक्वेशन जो हमारे पास नई बन के आएगी दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्सटी अब इसकी मिडल टर्म को हम क्या करेंगे स्प्लिट कर देंगे मिडल टर्म स्प्लिट स्प्लिट मैंने होता है तोड़ना मिडिल टर्म को तोड़ देंगे अब कैसे तोड़ेंगे एक्स का आगे कॉफिशेंट क्या है एक्स का वन इंटू सिक्सटी मीन्स हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट तो आए सिक्सटी जिसकी अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो, तो आए सिक्सटी और जिसका जब हम सम करें तो आए माइनस का सेवन ऐसा नंबर जिसका जब हम प्रोडक्ट करें वो तो आए सिक्सटी और हम सम करें जब आए माइनस सेवन देखो क्या हो सकता है ऐसा नंबर ट्वेल्व एंड फाइव करके देख लेते हैं माइनस ट्वेल्व एक्स सॉरी प्लस का ट्वेल्व एक्स नहीं माइनस का लेंगे ट्वेल्व एक्स क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन आ जाएगा माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्सटी इज इट राइट ट्वेल्व फाइव सिक्सटी ठीक है प्रोडक्ट सिक्सटी आ गया सम करना प्लस माइनस माइनस ट्वेल्व प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व ठीक है अब यहाँ से क्या कॉमन हम क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से हम एक्स प्लस फाइव और एक्स माइनस ट्वेल्व ये दो हमारे पास निकल के आई हाँ हैं अब एक इसको x प्लस फाइव को जीरो के इक्वल प्रुट कर दो x माइनस ट्वेल्व को जीरो के इक्वल प्रुट करेंगे यहाँ प्लस का उस साइड जाके माइनस का माइनस फाइव यहाँ माइनस का है उस साइड जाके प्लस का अब हमें निकालना क्या है हमें निकालना है बेस बेस की वैल्यू निकालनी है बेस क्या होगा कुछ लेंथ होगी बेस की क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है नहीं तो माइनस फाइव इज नॉट पॉसिबल बच गया क्या 12 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 मींस हमारा बेस कितना आ गया 12 x ही तो मानना था हमने बेस को क्या माना था x x की वैल्यू हमारी कितनी आई 12 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर और अगर इसी क्वेश्चन में हम ये पूछ रहे कि तुम्हारी अल्टीट्यूड कितनी आएगी तो 12 7 5 x 7 बेस से सेवन टाइम्स सॉरी बेस सात कम है एल्टीट्यूड तो ट्वेल्व माइनस सेवन विल बी गोज टू फाइव अगर एल्टीट्यूड पूछ लेता तो हमारे पास फाइव आ जाता ऑप्शन दूसरे होते तो बेस हमारा कितना आ गया ट्वेल्व सेंटीमीटर कैसे ऐसे ये थोड़ा सा यहाँ मिडल द मिडल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में थोड़े से कन्फ्यूजिंग हो सकती है ये होता क्या है बेसिकली हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट तो क्या है सिक्सटी में हमें क्या करेंगे एक्स स्क्र का कोफिशियंट और जो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म होती है उनका जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें ऐसा नंबर लेना है कि जिनका प्रोडक्ट तो आए सिक्सटी और जिनका सम आए जो हमारी मिडल की टर्म गिवन होती है दैट इज़ ओवर सेवन एक्स ठीक है तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट तो आए सिक्सटी और सम आए जिसका माइनस सेवन तो ऐसा नंबर ट्वेल्व एक्स और प्लस फाइव एक्स माइनस का ट्वेल्व एक्स प्लस एक्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रोम पॉइंट पी ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन पहले भी सिमिलर सा क्वेश्चन आया हुआ है जहां पे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन को डिस्कस किया था ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज थर्टी डिग्री अगेन थर्टी डिग्री गिवन है उस क्वेश्चन में भी थर्टी डिग्री ही गिवन था इफ़ द टावर इज हंड्रेड मीटर द डिस्टेंस की बार हमें टावर की हाइट गिवन है पहले हमें टावर की हाइट निकालनी थी ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर वन था इसमें हमें टावर की हाइट निकालनी थी लेकिन जो ये हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें टावर की हाइट गिवन है ठीक है जी हमारे पास एक टावर है कितना हंड्रेड मीटर ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना डिग्री थर्टी डिग्री फिर से ए बी सी ये क्या बन रहा है एक राइट एंगल ट्रगल बन रहा है बेस uh, ये हमारा हो गया हाइपोटिन्यूस अब हमें निकालना क्या है हमें निकालना है एक पॉइंट पी दे रखा है हमें में गिवन है कि एक पॉइंट पी से एंगल ऑफ एलिवेशन इतना बन रहा है पी एम ए सी ए बी पी ठीक है ठीक है हमें क्या निकालना है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस निकालना है फुट ऑफ द टावर से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस निकालना है मीन्स बेस निकालना है मीन्स बेस निकालना है निकाल देंगे कैसे बेस हमें निकालना है परपेंडिकुलर अपन बेस ही यूज़ कर लेते हैं क्या दिक्कत है क्या होता है टेंजेंट थिट्टा परपेंडिकुलर कितना गिवन है हंड्रेड बेस कितना गिवन है बेस निकालना है टेंजेंट का थिट्टा थिट्टा कितना डिग्री गिवन है थर्टी डिग्री अगेन ठीक है हंड्रेड अपॉन एक्स विल बी गुस्टू वन बाय रूट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे x विल इक्वल्स टू हंड्रेड इंटू रूट थ्री या लिख सकते हो हंड्रेड रूट थ्री डायरेक्ट इनटू का साइन ना लगा के okay, ठीक है अब देखते हैं ऑप्शन ऑप्शन option में तो कुछ हो रही है ऑप्शन में तो गिवन ही नहीं है देखो आगे कैसे करते, रूट थ्री की वैल्यू कितनी लेते हैं कितनी होती है बेसिकली रूट थ्री की वैल्यू वन पॉइंट सेवन थ्री पॉइंट हटाएंगे नीचे डबल ज़ीरो आएगी हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल एक्स की वैल्यू कितनी आई वन सेवेंटी थ्री एक्स की वैल्यू कितनी आई वन सेवेंटी थ्री अब देखते हैं ऑप्शन वन सेवेंटी थ्री ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर कैसे निकाला एक बार दोबारा बता रही हूँ एक टावर को हम देख रहे हैं और जो हमारी आइज के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमें थर्टी डिग्री गिवन है हमें एक टावर की हाइट गिवन है हंड्रेड मीटर और जो हमें पूछा गया है कि फुट ऑफ द टावर से लेके उस पॉइंट पी तक जहां से हम टावर को देख रहे हैं वहां तक के डिस्टेंस निकालना है अगर हम ये राइट एंगल ट्रैंगल है हमें प्रपेंडिकुलर गिवन है बेस हमें निकालना है हाईपोटन से हमें को लेना देना है नहीं क्योंकि ना क्वेश्चन में गिवन है ना हमें निकालना है ठीक है तो हम परपेंडिकुलर अपन बेस करेंगे परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है टेंजेंट तिर होता है बेस को हम कुछ भी मान सकते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर या बी भी, भी रख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो परपेंडिकुलर हमें हंड्रेड गेड बाई एक्स विल्स टू टेन जेंट थर्टी टेन जिंट थर्टी की वैल्यू होती है अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे की एक्सीवन के साथ मल्टीप्लाई वन एक्स वन एक्स लिखते नहीं है X ही लिखते हैं सारे तो हंड्रेड इंटू रूट थ्री हंड्रेड रूट थ्री हमारा आंसर आ गया था लेकिन हमने जब ऑप्शन देखे तो ऐसा तो कुछ गिवन है ही नहीं तब हमने क्या किया रूट थ्री की वैल्यू को पुट कर दिया और क्या कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते यहाँ तो हम क्या करेंगे रूट थ्री की वैल्यू को पुट करेंगे दैट इज वन पॉइंट सेवन थ्री यहाँ लिख देती हूँ मैं रूट थ्री इक्व टू वन पॉइंट सेवन तो 1.73 जो पॉइंट हटाएंगे नीचे डबल जीरो आएगी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 173 सेवन थ्री विल बी योर करेक्ट आंसर मीन्स एक्स की वैल्यू 173 आ जाएगी और एक्स हमने किसको माना है बेस को माना है बेस क्या है हमारा डिस्टेंस है किसका फुट से फुट ऑफ द टावर से लेके पी पॉइंट तक का सो आंसर ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर वन मीटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फाइंड दंबर ऑफ टर्म्स इन दी एपी सीरीज ओके ऐसा ऐसा था पहले उसमें हमें ये बताना था, tenth term कौन सी है? अब हमें वही सेम हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर्मूला क्या था ए एन विल भी प्लस एन माइनस वन इंटू डी एपी सीरीज हमें गिवन है की एपी सीरीज है, कि AP series है. तो एपी सीरीज है तो सिक्स में से थ्री माइनस किया मीन्स ए टू में से ए वन माइनस किया तो हमारा डी कितना निकल के आया थ्री कंफ्यूज मत होना पहले डी माइनस थ्री निकल के आया था क्योंकि सेकेंड टर्म हमारी छोटी थी फर्स्ट वाली टर्म से अब के बारे हमारी सेकेंड टर्म बड़ी है फर्स्ट वाली टर्म से सिक्स माइनस थ्री थ्री डिफरेंस हमारा निकल के आ गया थ्री ए एन लास्ट टर्म हमें गिवन है थ्री एटी वन ए एन हमें गिवन है थ्री एटी वन ए हमें गिवन है थ्री प्लस एन नंबर ऑफ टर्म्स एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स वही तो हमें निकालना है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स वही तो निकालना है प्लस डी डी कितना है थ्री थ्री एटी वन थ्री एटी वन माइनस थ्री विल बीस टू एन माइनस वन इंटू थ्री थ्री यहाँ प्लस का था साइड आके माइनस का हो गया थ्री एटी वन माइनस थ्री कितना होता है मल्टीप्लाई में है इसके में है 3? इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा थ्री सेवन एट बाई थ्री सात सात चौदह एक पंद्रह अठारह हो जाएगा कट थ्री वन जा थ्री थ्री टू सिक्स थ्री सिक्स जटीन वन ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू एन माइनस वन ठीक है ये बच गया माइनस का है यहाँ वन वन या माइनस का है इस साइड आगे प्लस का हो जाएगा वन ट्वेंटी सिक्स प्लस वन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स वन ट्वेंटी सेवन विल भी हमारा वन ट्वेंटी सेवन सही है ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें ए एन निकालना ला था लास्ट टर्म की वैल्यू या फिर जो हमें लास्ट टर्म टेंथ गिवन थी जरूरी नहीं है टेंथ लास्ट टर्म हो लेकिन हमें गिवन यही था हमें टेंथ टर्म निकालनी थी अब के बार हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है ठीक है तो दैट्स योर क्वेश्चन ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर वन ट्वेंटी सेवन So, thank you so much, everyone, for attending today's session, and thank you so much.